Hello students, welcome back to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 11th Standard English Writing Skill, Chapter 3.4, Interview. Let's see the first activity, which is complete the following web diagram. Center mein aapko diya hai, interview regarding. इन वॉट वे कैन आई चेंज माई सेल्फ फॉर द बेटर, यानी कि मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकता हूँ बेटर बनने के लिए. सो आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर, गुस्सा कंट्रोल करना है. एक्सट्रोवर्ट बनना है, एक्सट्रोवर्ट यानी कि आउट गोइंग नेचर का, जो लोगों के बीच में बात करने से शर्माए ना, नया कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सके, ऐसे टाइप का पर्सन. टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे. I want to have self-confidence. Self-confidence चाहिए ताकि मुश्किल से मुश्किल काम को भी अचीव कर सकें. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अपना भी खुद के भी आंसर्स इसमें लिख सकते हो. जस्ट जो भी आप फ्रेज लिखोगे वो आप देखना कि स्पेलिंग्स करेक्ट हो और ग्रामर करेक्ट हो. नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होती है. कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं, टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है, इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग रखना है, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो इंटरव्यू के टाइम, बिकॉज आप किसी सेलिब्रिटी, किसी वेल नोन पर्सन का या किसी फेमस पर्सन का इंटरव्यू लोगे, जो बेसिकली एक पब्लिक फिगर है. सो उसमें आपको ध्यान देना है. इंटरव्यू एज अ रिपोर्ट, आपको राइटिंग स्किल आता है स्टूडेंट्स. इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको किसी फेमस सेलिब्रिटी या पर्सन का इंटरव्यू लेना होता है. तो बेसिकली आपको 8 to 10 क्वेश्चंस लिखने होते हैं. लेट्स सी द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट. सो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट दिया है उसके हेल्प से जस्ट आपको इसको फिलअप करना है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड करेक्ट देम. जो भी गलत स्टेटमेंट है आपको उसे करेक्ट करके लिखना है, इनकरेक्ट जो भी होगा उसको. इज एन एजुकेटेड पर्सन द सेम एज अ डिग्री होल्डर. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. फिलोसॉफिकल थिंग है कि एक एजुकेटेड पर्सन और एक डिग्री होल्डर क्या दोनों सेम होते हैं. तो वेल, यह आंसर आपकी नज़रों में डिफर भी कर सकता है. आप यहाँ से भी सिंपली कॉपी डाउन कर सकते हो या अपने आंसर्स भी लिख सकते हो. एजुकेटेड पर्सन यानी हम उसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जो कुछ सीखता है और सीखकर अपने लाइफ में अप्लाई करता है, और डिग्री होल्डर यानी कि किसी पर्सन ने कोई कोर्स कंप्लीट किया है और उस कोर्स करके उसके पास एक डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, बट उस नॉलेज को कहाँ अप्लाई करे, मे बी उस पर्सन को पता भी हो सकता है या ना भी पता हो. एक एजुकेटेड पर्सन का एक लिस्ट आपको रेडी करना है, मतलब बिहेवियर में उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं. नाउ हियर सर्टेन सिचुएशंस आर गिवन. उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, वो आपको बताना है. कम्प्लीटली पर्सनल रिस्पॉन्स, तो इसमें आई एम, माई सेल्फ, वी, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. चैनल पे स्टूडेंट्स आपको इंटरव्यू राइटिंग का एक और वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना. उसमें आपको एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू एज अ राइटिंग स्किल कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में गाइडेंस होगा. बेसिकली इंटरव्यू राइटिंग 4 मार्क्स के लिए आपको आता है 11th और 12th स्टैंडर्ड में. 10th स्टैंडर्ड तक आपको 5 मार्क्स का होता है, कुछ उसी तरीके से आपको लिखना होता है स्टूडेंट्स. मैं वीडियो को स्लाइड करते जाता हूँ, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स फिल आउट कर सकते हैं. वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में जाके आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताएं, ताकि हम आपको और भी वीडियोस ऐसे प्रोवाइड कर सके आपकी हेल्प करने के लिए. वीडियो अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर ना लगे तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन को इनक्रीज़ कर लें, उससे वीडियो क्लियर आपको दिखने लगेगा.
ये क्वेश्चन अब देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे तो, बिकॉज हम बहुत इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं दैट वेन एवर वी इंटरव्यू समवन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम उसे क्वेश्चन कैसे पूछें. तो हम किन किन बातों पे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कुछ की पॉइंट्स यहाँ दिया है. जैसे देखो, उनके फ्यूचर प्लान्स, उनका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी कि आइडल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, यहाँ से आप सेम तरीके का क्वेश्चन है. ओवरकम हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स, उन्होंने अपने लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ को क्या स्ट्रगल किया है वो. उनका फर्स्ट टीचर, गाइड, कोच, मेंटर कौन था वो. मैसेज फॉर द यंगस्टर्स, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज है तो वो. फैमिली की सपोर्ट के बारे में. अल्टरनेट करियर चॉइस, अगर वो क्रिकेटर नहीं बनते तो क्या बन सकते थे वो, उसके बारे ऐसा कुछ क्वेश्चन. उनका फर्स्ट अचीवमेंट या फिर फर्स्ट सेटबैक. टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, लाइफ उनकी कहाँ से चेंज हुई. सो ये सारे फैक्टर्स पे आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ इंटरव्यू आप जब भी लिखें तो आपको कैसे स्टार्ट करना है इंटरव्यू. फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा, बेसिकली 2 to 4 लाइंस का. आफ्टर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन यू विल आस्क योर क्वेश्चंस. तो बेसिकली आपको 12th स्टैंडर्ड में 8 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, बट आप 10 भी क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्पीड एंड टाइम. फिर आपका आता है कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में आप लास्ट में जस्ट एक स्टेटमेंट लिखते हो, आप अपना ग्रेटिट्यूड पेश एक्सप्रेस करते हो आपके सेलिब्रिटी को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वंस यू बिगिन टू लर्न देयर इज नो एंड टू लर्निंग, राइट योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट. एक बार अगर आप सीखना शुरू कर देते हो तो आपके सीखने का कोई एंड पॉइंट नहीं है. आपको ये स्टेटमेंट को सिंपली अपना व्यू बताना है. ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मोस्टली आपको एज अ पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, तो आपको इतना लेंदी आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप लिख लो, एंड बाकी आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिख दो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एज योर राइटिंग स्किल, कि एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपके प्रिंसिपल ने आपको असाइन किया है कि एक लीडिंग पर्सनालिटी का आप कोई पर्टिकुलर फील्ड का इंटरव्यू लो. तो इन सारे पॉइंट्स के हेल्प से आपको इंटरव्यू फ्रेम करना है. तो सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो आप पार्ट देखोगे दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट. हम अपने सेलिब्रिटी का वेलकम कर रहे हैं उनको अपने प्रोग्राम में. आफ्टर दैट एज यू कैन सी नाउ यू विल टेक हिज परमिशन, मे आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, एंड फिर उसके बाद आप उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे. तो हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो फर्स्ट उनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन, सक्सेसफुल होने से पहले की जो उनकी लाइफ थी और उन्होंने कितनी एजुकेशन ली है उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा. फिर उनके अचीवमेंट और अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा. देन एज, एट वॉट एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. या यहाँ अगर कोई दूसरा सेलिब्रिटी हो तो आप ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो कि एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट, और एट वॉट एज डिड यू डिसाइडेड दैट यू विल बिकम अ पॉलिटिशियन. दिस वे यू कैन चेंज द क्वेश्चन. नेक्स्ट है उनके प्रैक्टिस के बारे में. देन सेटबैक, ऑब्स्टिकल्स, आइडल, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के बारे में, कौन उनका गुरु या मेंटोर था. रिगार्डिंग हिज फैमिली सपोर्ट, फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं, और अपकमिंग सिंगर्स को वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे. एंड एट लास्ट एक छोटा सा थैंकिंग का या कंक्लूजन का स्टेटमेंट, जहाँ पर हम अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं अपने सेलिब्रिटी को. सो दिस वे यू हैव टू राइट. अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है एग्जाम में देन ओनली यू विल गेट मार्क्स. एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू मिस्टेक दैट दे ऑल्सो राइट आंसर्स इन द इंटरव्यू. दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वेन यू राइट आंसर इट बिकम्स डायलॉग राइटिंग, एंड आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग फॉर्मेट है, तो आपको इस पे 0 मार्क्स मिलता है चाहे आप कितना भी पेजेस भर दो. तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ये सारे पॉइंट्स को आप हेल्प लेके अपने ओन आंसर्स को फ्रेम करके इजीली लिख सकते हो, बट
मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर 12th स्टैंडर्ड राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज स्टूडेंट्स. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़.